दुर्ग में बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 8 मार्च को भिलाई में भोले बाबा की भव्य बारात निकाली जाएगी। 31,000 कार्ड बांटे गए हैं, लाखों की संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। 8 मार्च को हाथखोज इंदिरा नगर भिलाई चरोदा से भोले बाबा की बारात निकाली जाएगी। इस अद्भुत भव्य बारात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण दिया जा रहा है। उड़ीसा का विशेष आकर्षण धमाल पूरी माँ संतोषी मिलाड़ी, केरल की विशेष झांकियां प्रदर्शन रहेंगे। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की विशेष माँ दुर्गा के 9 रूप की 15 फीट झांकियां, हरियाणा की रामू आर्ट ग्रुप की भव्य झांकी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से लगभग 151 झांकियां भूत पिशाच राक्षस हजारों की संख्या में भोले बाबा की बारात में शामिल होंगे। 8 मार्च महाशिवरात्रि की तैयारी है, जिसका इंतजार भिलाई दुर्ग समेत प्रदेश भर के लोगों को हर साल की तरह इस साल भी है। इस तारीख को आप नोट करके रख लें। 15 साल से भिलाई में भोले बाबा की बारात निकाली जाती है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा बारात निकाली जाएगी। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बारात की भव्यता इतनी भव्य होगी, इसे देखने के लिए प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं। इस बार भी ये भव्यता कायम रहेगी। इस बारात को सफल बनाने के लिए आयोजक बोलबम सेवा कल्याण समिति के पदाधिकारी युवा विंग महिला विंग एवं सदस्य विगत 2 माह से जुड़े हुए हैं। यह आयोजन का 16वां वर्ष है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाय, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ समेत गणमान्य नागरिक राजनेता को आमंत्रण कार्ड दिया जा रहा है। सभी भोले बाबा की बारात में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। अधिकांश लोगों के आने की स्वीकृति भी दे दी है। बोलबम सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने क्या कहा, आप वीडियो में खुद सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। हमारे साथ है बोलबम सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह जी। 8 तारीख को होने वाले भव्य प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या कुछ खास होने वाला है 8 तारीख को? 8 तारीख को आप देखेंगे कि महाबारात में विभिन्न प्रदेश 7 से 8 प्रदेश के अंदर में, चाहे दिल्ली प्रदेश हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे यूपी का अखाड़ा हो, चाहे पंजाब का भांगड़ा हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की भावा भोलेनाथ का बड़ा स्वरूप हो, माँ काली का स्वरूप हो, हनुमान जी की बड़ी 15-15 फीट के आपको एक अलग नजारा दिखेगा। और साथ ही छत्तीसगढ़ की 161 झांकियां, मतलब एक में 40 लोग है, 5,000 से ज्यादा राम रावण विभीषण भूत पिशाच नजर आएंगे आपको देखने को, एक अलग आनंद ही आएगा। और राजनांदगांव से 17-17 फीट की चाहे राम दरबार, भगवान राम जी का राम स्वरूप राम दरबार राम मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। भगवान भोलेनाथ सी तांडो करते हुए आपको नजर आएंगे। राधा कृष्ण भगवान की प्रेम लीला का एक अलग नजारा होगा। और एक अद्भुत नजारे के साथ आप पूरा भिलाई बोलना चाहिए, बल्कि दुर्ग पूरा छत्तीसगढ़ शिवमय हो जाएगा और भक्ति का भाव होगा। और भाव में लाखों लाख संख्या लोग होगी और एक अलग आनंद के साथ में पूरा भिलाई दुर्ग नहीं बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ शिवमय हो जाएगा। इन किन खास लोगों को आपने न्योता भेजा इस भव्य प्रोग्राम के लिए? सभी लोगों को दिए हैं हमने न्योता, क्योंकि चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे गणमान्य चल रही समाज के तीसरे पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे रिक्शे वाला हो, ठेला वाला हो, पान ठेला वाला, सबको कार्ड दे के देवादेव महादेव की बारात है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, हमने सबको कार्ड दिया। चाहे छत्तीसगढ़ सरकार के जितने मंत्री हैं सबको हमने कार्ड दिया, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को भी हमने कार्ड दिया। और सब लोगों ने आश्वस्त किया, क्योंकि महाबारात का हिस्सा बनना और भगवान भोलेनाथ का स्नेह और आशीर्वाद लेना और भगवान की महाबारात का हिस्सा बन के उनके आशीर्वाद के साथ निरंतर चलना तो भक्ति का भाव है। भाव में भगवान भोलेनाथ है तो सबका समावेश होगा और सबका आगमन होगा और उसके साथ महाबारात संपन्न होगा।